हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज हम बनाएंगे मार्केट में मिलने वाले पोटैटो नगेट्स। तो आइए पोटैटो नगेट्स बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1.5 कप उबले हुए आलू, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1 कप लेंगे ब्रेड क्रम्स। 4 ब्रेड को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। 4 छोटी चम्मच चाहिए हमें कॉर्नफ्लोर। 2 छोटी चम्मच चीज, आप कोई भी चीज काम में ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। 1/2 छोटी चम्मच ओरेगानो या फिर मिक्स हर्ब्स। स्वादानुसार नमक और लहसुन की 2 कली। तो आइए पोटैटो नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में ये उबले हुए आलू डालेंगे। ब्रेड क्रम्स अभी 1 कप डालना है हमें। चीज डाल देंगे, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, नमक स्वादानुसार, 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। लहसुन को हम कद्दूकस कर लेंगे। 2 चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को ढक्कन लगाकर 1/2 घंटे के लिए फ्रीज में रख लेंगे। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस मिक्सचर को हाथ में इस तरह से लेके रोल बना देंगे इसके। इस तरह से इसका रोल बना लेंगे। अब इसे चाकू से बराबर साइज के काट लेंगे। इस तरह के बना लेंगे सारे। सारे नगेट्स हमने बना लिए हैं। अब 1/4 कप पानी में 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के घोल बना लेंगे और पास में तेल गरम कर लेंगे फ्राई करने के लिए। नगेट्स को इस घोल में डालेंगे, डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स से कोटिंग करेंगे इसकी। इस तरह से सारे की कोटिंग कर लेंगे हम। अब इन नगेट्स को हम फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो गया है। इन्हें हल्का ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। नगेट्स ब्राउन होने लगे हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। पोटैटो नगेट्स तैयार है। इसे आप सॉस या मेयोनीज के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। स्पेशली ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। सो दोस्तों, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब के पास जो बेल का बटन है उसे जरूर प्रेस करें। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।